तो गाइस इस समय हम आ रखे हैं अथर्व के घर, क्योंकि हमें जाना था राइड पे और हम कम से कम आ रखे हैं आधे घंटे से। और ये देखो, ये अथर्व है, अपने व्लॉग में बता रहा है कि खुद वेट कर रहा है। ये देखो इसकी आंखें, देखो कितनी मोटी हो रही है आंखें। ओए इधर देखे जरा, क्या हो गया भाई? सो आदमी धक्का मार के आगे कर दो न्यूट्रल में। अब देखते हैं कितना लंबा सेल्फ जाएगा इसका। हाँ फीडर करिए स्टार्ट। अरे देखते हैं लौरा कितना लंबा सेल्फ लेगी। चल कोल्ड स्टार्ट रिकॉर्ड करता हूँ उसका। तो गाइस लौरा का कोल्ड स्टार्ट होगा। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं। ये खड़ी लौरा और वो पीछे वर्टेक्स, वो तो लेके नहीं जा रहे। ये वीआरएस और लौरा जा रही है अभी। भाई दीक्षांत भाई आपको पता होगा, जिनकी जो अपनी उसके लैग से परेशान थे वर्टस की, वो खड़ी उनकी वर्टस और वो अब हो गई है स्टेज टू। भाई ने स्टेज टू करवा दी अब लेकिन अभी भी उसको लेके नहीं जा रहे, क्योंकि जिन गाड़ियों के साथ जा रहे हैं भाई उसमें फिर आउट ऑफ ली है भाई। भाई रुके ठोकेगा हमें आदमी। अरे ये स्लो गाड़ी को क्यों भगा रहा है यार तू। गाइस बाकी 1.8 तो नहीं आ पाई, बिकॉज 1.8 की ब्रेक्स जो है ना वो चेंज होनी है, रियर डिस्क वो तो पूरी खत्म हुई पड़ी है। और 1 लीटर के साथ क्या सीन चल रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी का ऐसी सीन है, ये देखो कितनी सेक्सी लग रही है भाई। वीआरएस लोड है बिल्कुल, बस आगे जा रही है और हम कॉर्नर में बैठे हैं। देखो भाई वो देखो, ये भाई उससे नहीं कम्पीट कर पाएंगे भाई। अब तो काफ़ी लीन है भी तो मैप है, और EPC की तो लाइट भी आ रही है इसका। भाई EPC की लाइट आने लग गई गाइस लोरा में। अरे भाई पहले से यार भाई पहले से भाई क्या गाड़ी है पता नहीं। अब लोरा का यही रहता है गाइस, कुछ ना लाइट क्रिसमस ट्री बना रहता है यहाँ पर। तो गाइस अब EPC जा चुका है, हमने थोड़ा सा थ्रॉटल ज्यादा दिया और EPC चले गया। तो यही और वो अपना वो 45 पे पता नहीं स्पीड लिमिट क्यों सेट कर रखी है सर ने। तो यही होता है गाइस लोरा में, कभी लाइट आती है कभी चली जाती है अपने मन से। स्कोडा थिंग्स है गाइस, स्कोडा VW यही करती है, अपने मन से लाइट देते हैं, अपने मन से लाइट चली जाती है। हाँ वो हेडलाइट जल रही है ना उसकी आ रही है, वो तो आती रहती है, बल्ब बनती है। बंद है क्या भाई? अब ऑन हुई, पता नहीं फिर क्या लाइट है गाइस वो। नो आइडिया, ये बल्ब है गाइस। अब ये देख लो लोरा और बता पाएंगे क्या बल्ब है ये, तो हमें तो नहीं पता भाई। और टिंग टिंग की आवाज तो इससे आ रही है। यहाँ पर वो थोड़ी सी रेस सी हो गई है, वो देखो VRS भाग रही है आगे, क्योंकि भाई एक BMW वाला आया था एग्जॉस्ट लगा के और फुल दौड़ा रहा था वो। और हम भी अब लोरा भगा रहे हैं, हम 150 पर है। पता नहीं चला था, पता नहीं चला भाई, चली जाती है भाई 150 आराम से, कुछ नहीं पता चलता है इस गाड़ी में। ये ऐसी चली जाती है और ये रही वो BMW। और अभी हम हैं अपना 120 के अराउंड और VRS तो भाग गई भाई। VRS का तो उसने रोहित भाई तो भाई शुरू हो जाते हैं एक बार, रोहित भाई को अगर हो गया ना गाड़ी है 350 BHP है भाई वो अलग ही बात थी। बट हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी 210 लेके आ रहे हैं। रोहित भाई कॉल कर रहे हैं दोनों कैमरा रोहित भाई पे। तो गाइस ये देखो ये खड़ी गाड़ियां दोनों, और अभी एक और VRS ज्वाइन करने वाली है शबीमान भाई की। अथर्व तो एक्साइटेड है ब्लड शॉट को देख, ठंड ठंड हो रही है। तो गाइस अभी शबीमान भाई की आ चुकी है स्पीड डीमंस वाली VRS 245 है ये, वो 230 है ये 245 है। यहाँ मेन डिफरेंस आज यही है, और इसमें 245 प्रोफाइल के लेंसोज के साथ लगे हुए हैं, और अपना शबीमान भाई की बैजिंग इन्होंने कर रखी है। ये देखो गाइस पीछे से देखो सेक्सी लग रही है गाड़ी, तो काफ़ी सेक्सी लग रही है। ये देखो साइड से देखो सही लग रही है, जे मोटा है ना, तो देखो अलॉयज कैसे बाहर आ रहे हैं, सेक्सी लग रहे हैं। तो गाइस अदर कुछ कह रहा है वो मनहूस आदमी है, उस दिन जब गाड़ी में बैठा तो इंजन लाइट ऑन ऑन नहीं हुई, ब्लिंक होने लगी EBC लाइट के साथ। आज EBC लाइट आ गई, इसके बैठ से पहले नहीं है इतने दिनों में। मैनुअल गाड़ी चलानी पड़ेगी आज भाई, दीक्षांत भाई को लोरा दे दी हमने, तो यही चीज है भाई। तो आगे चल रही है अपनी वाली ये जो स्टेज 2 VRS है, और पीछे चल रही है शबीमान भाई की स्टेज 1 VRS, और हम है लोरा में स्टेज 1।
और अभी भाई ये अथर्व सर ने बात करी थी तो उसने बताया कि ये जो 45 की जो एक वो आ रही है ना नोटिफिकेशन आ रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, बीप आ रही है, वो अपने आप ही इस गाड़ी ने एक्टिवेट कर रखी है। और अभी इसकी ईपीसी लाइट भी ऐसी आ गई थी, तो भाई यही है, लॉरा का यही सीन होता है गाइस, कुछ भी अपने हिसाब से करती है। इसके ईसीयू में भी एक और ईसीयू होती है, आत्मा है सही में इसकी हैंडलिंग के साथ, सेक्सी हाइपर ड्राइव हो गया आज तो। देखो भाई ये आ गई आवाज, आ गई भाई इसकी 45 भी दोबारा है। दीक्षांत भाई बोल रहे हैं आज थोड़े एक दो चलान कटवाई देंगे अपने तर भाई के। क्या कैमरा? कैमरा था ना, नहीं दिखता भाई मेरे को आज तक, नहीं दिखा। यही बार दिखा था जब मैं आता था मारुति में, बस मारुति में तब ऊपर थे स्पीड से, ये तब भी ऊपर थे क्या? वो ए स्टार में, हाँ ए स्टार में। तो गाइस ये जा रही है 2011 से आगे, हम सबसे फास्ट इस गाड़ी पीछे चल रही है आराम से। लैग वोटर्स, लैग रख देता है ना नाम, लैग वोटर्स। नहीं नहीं अब तो कम हो गया ना लैग भाई, अब ठीक है, मतलब खा जाएगी जो पहले वाली जो गाड़ी से खा जाती थी, अब उन्हें खा जाएगी, आ जाएगी अब बस। सही है फिर गाइस, जल्दी ड्रैग करेंगे, और अगर दीक्षांत भाई हारे तो उनसे पार्टी लेंगे, तुम्हारी गाड़ी तो हार गई भाई। ठीक है गाइस, तो जल्दी ड्रैग करेंगे, सबसे पहले आर्यमन भाई की ब्लैकआउट से करेंगे इसको, पता नहीं है ये इसका 1.8 स्टॉक खास नहीं हम इसको सब, तो कोई नहीं गाइस करने दो उसको, जो सारे सिनेमैटिक्स वो ले लिए, और अब हम जा रहे हैं ऑडी का कुत्ता बनाने। सब शुरू हो गए भगाना वापस, ऑडी भाग के गई थी जो, अब उसी के पीछे दौड़ रहा है रोहित भाई, हमेशा की तरह सबसे आगे दौड़ रहे हैं, इधर उधर कट मारते हैं, तो हम भी जा रहे हैं अब चेस करेंगे। और अभी भी ऑडी आ गया भाई, ऑडी गायब नहीं हो रही, और ऑडी अभी भी आ गया है भाई, भाग रही है ऑडी भी। कोई नहीं, हम भी आ रहे हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि अपनी भी भाई कम नहीं है, इसको तो हरा ही देगी, ऑडी को तो हरा देगी भाई अपनी भी। तो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा तेज हो गए थे ऑडी की रेस में, हम भी आ रहे हैं भाई, वीडियो नहीं बनाई भाई क्योंकि पहले दिख ही नहीं रही थी ना, मैं तो मेरे को तो यही लग रहा किस चीज की वीडियो बनाओ, हम भगाते हुए काट रहे और आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, ऑडी वाला कैसे चला रहा था भाई आप बताओ। भाई वो उससे उधर नीचे उतार दी थी गाड़ी, पूरी नीचे गई थी भाई, भाई हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया उसको, 1.8 बोल के स्टॉक, पता नहीं स्टॉक थी भाई, वो स्टॉक था ही नहीं भाई, वो ऐसा लग रहा था भाई ये इसको स्टेज 2 वीआरएस को भाई, वीआरएस को तो वैसे चला रहा है भाई तुम्हें भाई। और भाई तुमने अब इतनी चला ली, कैसी लग रही है स्टेज 2 वर्टस के कंपैरिजन में, इन द सेंस पावर हो गया डायनामिक्स में, क्या लगता है कैसी कंपैरिजन है? मैं बता दूं, इसकी स्विंग 80 से यहां 160 180 200 तक है ना, हाँ। पता नहीं मेरी आंखें नहीं जाती उसके आगे, और ये गाड़ी जाए जा रही है ठीक है। हाँ, टॉप एंड मतलब बहुत काफी बेटर लगा, और भाई ड्राइविंग डायनामिक्स भी काफी सही है। अच्छा इसके बेटर है वर्टस के? भाई एक बात बोलूंगा, सस्पेंशन इसका बेटर है। अच्छा इसका बेटर है सस्पेंशन, अच्छा भगानी है तो अदरवाइज वर्टस का सिटी में बेटर अच्छा है, हां स्टीयरिंग में इससे बेटर है, स्टीयरिंग में अच्छा फीडबैक वो देती है, वही लॉरा का ही बोलते हैं स्टीयरिंग में वो ही नहीं है, वेट ही नहीं है, वेट है पर वो होती है ना क्लोज कॉल नहीं ले सकते, उसमें थोड़ा डर लगता है, फील नहीं है वर्टस में, मैं क्लोज कॉल ले लेता हूं उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा कॉन्फिडेंस देती है कि हां भाई चली जाएगी गाड़ी, ये चीज लगी, बाकी स्पीड बिल्कुल नहीं पता चल रही, स्पीड नहीं पता चल रही भाई, मैं ही बता रहा था कि 160 170 पे थे भाई, अभी हम जैसे आए, हाँ मेरे को भाई पता नहीं चल रहा था स्पीड का, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बर्थडे जब 140 चलाता हूँ ना NH8 पे, हाँ ऐसा ही लग रहा था बस। वो 140 भी भाई, वो भी जब गाड़ी तेज भाग रही होती है तो 140 होती है वो। गाइस हमने अच्छे से पेली है इसकी गाड़ी, आराम से 190-200 चलाई है, काम इससे करवाया, ब्रेक्स भी हमने यूज कर ली इसकी अच्छे से, भाई दीक्षांत भाई, दीक्षांत भाई अप्रूव्ड हो गई है गाड़ी, कह रहे हैं ब्रेक्स अच्छी है, बहुत सब कुछ अच्छा है इस गाड़ी का। तो गाइस अभी हम करने वाले वीआरएस की रोल रेस करेंगे शबीमान भाई की वीआरएस से, और वो अपनी स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, बट ये 95 रॉन पे चल रही है, मतलब इसका स्टेज 2 एक और मैप आता है 100 रॉन वाला, उसमें वो पावर पूरी प्रोड्यूस करती है अपनी, अभी ये 320 BHP और वो 300 BHP है।
नहीं है कोई भाई टक्कर में। भाई अब आपको पता चल रहा है ना क्यों इन्होंने 1.8 दी है अपनी यहाँ पर, ये मिली है तभी दिया है। और अभी अपनी फुल पावर पे है नहीं। ये गाइस अभी 95 रॉन पर है, 100 रॉन पर तो ये 350 वी लॉस पावर है, अभी 320 वी लॉस पावर है, ये 360 वी लॉस पावर है गाइस 100 रॉन पर, तो सोच लो कितनी पावर और ये निकाल सकती है अभी जो निकाल नहीं रही है, ये बात है। और अब बाकी फिर से सब पीछे रह गए भाई, दो बार पुल करते हो फिर रोकनी पड़ जाती है हमें। जैसे हम क्रॉस करते हैं यार ये लोग ब्रेक लाइट जला देते हैं अपनी कि हमने ब्रेक ले ली। उस दिन यार कंपटीशन लेके आओ यार, बहचो तुम कंपटीशन ही लेके आ रहे हो यार। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ क्या यहाँ पे, बार बार मैं सिक्स कर लगा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ इन बच्चों का। ओ भाई आ गया सर फिर से। बहुत मजा आ रहा है सच में। तो गाइस अब हम पहुंच गए हाईवे मसाला, अभी देखो हाईवे मसाला पहुंच गए हैं और ये अपने तीनों गाड़ियां अपनी खड़ी कर दी है खूब सारी हाइपर ड्राइव के बाद, यहाँ पहुंच गए बहुत जल्दी पहुंच गए, पता ही नहीं चलेगा मोड़ से आगे निकल गए थे फिर हमने रिवर्स करके यहाँ पर आए हैं। और बहुत सेक्सी ड्राइव रही, 260-250 से ऊपर कितनी बार गए, 3 बार गए थे और लॉरा ने भी अच्छे से कीप अप करी थी, बड़ी बढ़िया था।
तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया हाईवे मसाला पे और अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये देखो सब निकल रहे हैं अपने, शवी भाई तो जा रहे हैं BIC के इवेंट पर, बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलकर, वो निकल रहे हैं। इवेंट अपनी लॉरा और अब मैं जा रहा हूँ, अभी अपनी BRS भी जाएगी भाई, घर भी पहुँचना है टाइम से बिकॉज पेपर है भाई। तो हम निकलेंगे, बहुत मज़ा आया, हाइपर ड्राइव हुई काफ़ी ज़्यादा और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बस 1.8 नहीं ला पाए अपनी, अगली बार 1.8 लेके आएंगे।